नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम 5 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं तो रिएवोल्यूशन का रिजल्ट, जिसकी इंतजार काफी सारे स्टूडेंट लगातार कर रहे थे, उसकी फर्स्ट अपडेट आ गई है। फर्स्ट अपडेट में काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर भी किया गया है। तो अगर आपने रिएवोल्यूशन का फॉर्म भरा था तो रिएवोल्यूशन का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट अपडेट है, इसके बाद भी अपडेट्स लगातार अब आएंगी। तो अगर आपका अभी तक रिजल्ट रिएवोल्यूशन का इस अपडेट में नहीं आया तो आपको नेक्स्ट अपडेट्स का इंतजार करना होगा। साथ में रिएवोल्यूशन का फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है। अगर आप रिएवोल्यूशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, रिएवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट जो आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, तो आप रिएवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो रिएवोल्यूशन का फॉर्म अभी भी अवेलेबल है, अगर आप भरना चाहते हैं तो अभी भी रिएवोल्यूशन का फॉर्म आप भर पाएंगे। अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, इसका रिजल्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकेंड अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं तो ग्रेड कार्ड की भी एक और नई अपडेट आई है। अभी पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर असाइनमेंट स्टेटस की अपडेट आई है, उसके बाद आपके जो दिसंबर एग्जाम था उसके रिजल्ट की अपडेट आई है, फिर रिएवोल्यूशन के रिजल्ट की अपडेट आई है और अब ग्रेड कार्ड की भी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, करंट ग्रेड कार्ड स्टेटस एज ऑन मई 19, 2021, यानी कि 1 महीने बाद आपके ग्रेड कार्ड की अपडेट आई है। तो इसको आप जरूर चेक करें और इसमें देखें कि आपका रिजल्ट आया या नहीं आया। तो इसलिए इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अपना ग्रेड कार्ड जरूर चेक करें। साथ में ऐसे स्टूडेंट जिनको प्रमोट किया गया है उनका रिजल्ट भी अपडेट होना शुरू हो चुका है, तो वो भी अपना रिजल्ट एक बार ग्रेड कार्ड में चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। इस बार रीजनल सेंटर की तरफ से एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें उनकी तरफ से ऑनलाइन स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जो उनकी क्वेरी है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो उसका शेड्यूल दिया गया कि कब ये गूगल जो मीट है वो होने वाला है, तो 23 मई, 30 मई, फिर 6 जून, 13 जून, 20 जून, 27 जून और 4 जुलाई को ये होने वाले हैं। और इनका लिंक भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसके सामने ही, तो आप इसको जरूर देख सकते हैं और इससे सहायता ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ पर से जिस दिन ये होने वाले हैं वहाँ पर गूगल मीट जाकर इनको चेक कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है उनको पूछ सकते हैं या फिर जो भी वो इन्फॉर्मेशन देंगे उसे ले सकते हैं। तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर दूंगा। तो अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। अब प्रतिमा चौहान मैडम को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। कोड जो है जिसका आपको इस्तेमाल करना है वो है PC2021। मैडम के प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर से क्लिक करके आप सीधा यहां पर आ सकते हैं और मैडम की क्लासेस को बिल्कुल फ्री एक्सेस कर सकते हैं PC2021 कोड का इस्तेमाल कर। आप जो आज क्लास होने वाली है प्रतिमा मैडम की अनअकैडमी पर वो है 10:30 बजे, इसको आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप अनअकैडमी में कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो SSC का हो, UPPCS का हो, UPSC सिविल सर्विसेज का हो, IIT G का हो, NEET का हो या किसी और एग्जाम का हो, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप PC2021 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो कल वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी की तरफ से एक ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया था सभी स्टूडेंट के लिए, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें की। तो अगर आप उसको फुल देख लेना चाहते हैं, जो कि 55 मिनट की पूरी वीडियो थी, तो उसका लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर से सीधा जाकर उसको यूट्यूब में या फिर फेसबुक के ऑफिशियल पेज इग्नू पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी उसको 3 से 4 मिनट की वीडियो में पूरा समराइज कर दिया है। तो आप उसको जरूर देखें कि क्या क्या आपके लिए वाइस चांसलर जी ने कहा था, जिसमें एग्जाम्स के बारे में, प्रमोशन के बारे में, फीस के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई थी। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको अगर जानना है कि वाइस चांसलर जी ने क्या क्या कहा था तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ले, TRC की तरफ से एक नई अपडेट जारी की गई है, जिसमें अभी तक जितने भी स्टूडेंट ने असाइनमेंट उनको सबमिट किए हैं और उनके रिसीव हो गए हैं, तो उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। अगर आप कोलकाता रीजनल सेंटर के हैं और आपने असाइनमेंट अभी सबमिट किए हैं तो आप एक बार इस लिस्ट को जरूर देखें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।